तो अब हम कंसेप्ट करने जाएंगे वाइज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव। कनकेव क्यों है? क्योंकि इस देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जितना भी कंसेप्ट है वो इसकी 5 अजम्पशंस पे बेस्ड है, जिनमें से एक 5th अजम्पशन है कि जो एमसी कर्व होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। वो इंक्रीज होती है इसका क्या मीनिंग, क्योंकि कुछ कॉमोडिटी सेक्रीफाइस होगी कुछ कॉमोडिटी के गेन के लिए, ठीक है ना। और ये किस चीज़, दो कॉमोडिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, मीन्स बंडल ऑफ टू कॉमोडिटीज़, ठीक है, जिसमें से एक कॉमोडिटी सेक्रीफाइस होगी फॉर द गेन ऑफ अदर कॉमोडिटी, ठीक है। तो ये जो सेक्रीफाइस होगा ये इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार्स हैं। अब स्कार्स इसे डायरेक्ट वर्ड्स में नहीं लिखोगे समझाने के लिए, मीन्स जो रिसोर्सेज हैं वो सभी गुड्स के प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो कुछ रिसोर्सेज जो होंगे वो यूज़ वन से यूज़ टू में जाते रहेंगे, और ये जो सेक्रीफाइस होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, इसीलिए पीपीसी कर्व कनकेव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बी ए स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है? जब ये जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, अब ये कैसे ऊपर नीचे कैसे लाइन जाती है पीपीसी कर्व की, क्योंकि सेक्रीफाइस बढ़ता चला जाता है, लेकिन अगर ना सेक्रीफाइस हो ना गेन हो सो क्या होगा? आपको पता होगा कि आप या तो 100 इसका खरीद सकते हो या तो 100 उसका, या 10 इसका खरीद सकते हो या 10 उसका, ठीक है, एक कॉमोडिटी जीरो ही रहेगी। सो पीपीसी का उस सिचुएशन में क्या होगा? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो एमसी होगा, ठीक है ना, वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा, और एमसी से ही एक कंसेप्ट रिलेटेड है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो ये कहता है कि एक कॉमोडिटी के गेन के लिए आपको दूसरी कॉमोडिटी का कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है यानी कि इनका सैक्रिफाइस जो और गेन होता है वो कांस्टेंट रहेगा, ना गेन होगा ना सैक्रिफाइस होगा। आप या 10 यूनिट्स गुड ए की प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर 10 यूनिट्स गुड बी की। सो इस कंसेप्ट में ये एक स्ट्रेट लाइन होगा।